सो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे आरडीजे का डॉक्टर डूम अकेले ही सारे सुपर हीरोज पर भारी पड़ा। अगर आपने उस एपिसोड को नहीं देखा है तो आई बटन पे शो हो रहे लिंक पर जाकर उसको पहले देखिए, क्योंकि पिछले पार्ट में उसके पावर का प्रदर्शन हुआ था और इस वाले पार्ट में उसका ओरिजिन के बारे में पता चलेगा कि आखिर वो इतना पावरफुल कैसे हुआ कि डॉक्टर स्ट्रेंज, थॉर, सेंट्री, घोस्ट राइडर, शांची, आयरन फिस्ट, कैप्टन मार्वल, स्पाइडरमैन, वॉरलॉक विथ स्टार ब्रांड, रेड हल्क, ग्रीन हल्क, शी हल्क, मैजिक, वांडा एंड और भी कई सारे सुपर हीरोज के एक साथ होते हुए भी उन पर भारी पड़ रहा था। सो कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर पिछला पार्ट खत्म हुआ था, जिसमें हम देख पाते हैं कि डेडपूल जो कि अब टीवीए के लिए काम करता है, वो इस यूनिवर्स में आकर हीरोज की मदद करता है डॉक्टर डूम को रोकने के लिए, जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज इमेजेस ऑफ एकॉन का यूज करके डॉक्टर डूम को कैद कर देता है एक स्पेल में। बट इसी दरमियान डॉक्टर डूम का मास्क टूटकर नीचे गिर जाता है एंड जब डेडपूल उस मास्क को उठाकर डॉक्टर डूम की तरफ देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर डूम का चेहरा मेन अर्थ के टोनी स्टार के जैसा दिखता था। डेडपूल कुछ बोल पाता तब तक थॉर पीछे से आकर कहता है कि ये जीत डेडपूल के नाम। इतना सुनते ही वहां मौजूद जितने भी लोग थे सब चीयर करने लगते हैं एंड कैप्टन बोलते हैं कि इसके बाद एक वीक की छुट्टी मैं अनाउंस करता हूं। कि तभी वहां वोंग सबके लिए पोर्टल बनाता है ताकि वो लोग जख्मी लोगों को हॉस्पिटल एंड टायर्ड सुपर हीरोज को रेस्ट करने के लिए घर भेज सके। वहीं डॉक्टर डूम को कमरताज के हाईली सिक्योर जेल यानी कि सेंटम गाउल में भेजा जाता है, जहां पर हम देख पाते हैं कि यहां पर बाकी फियर लॉर्ड्स को भी कैद करके रखा गया है, जिसमें से ड्वेलर इन डार्कनेस एंड द स्प्रे है। जब डॉक्टर स्ट्रेंज वहां डॉक्टर डूम को कैद करके जा रहा होता है तभी डॉक्टर डूम कहता है कि तुम्हें भी पता है कि इस टाइमलाइन में एक एनोमली है, जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि एंड उसी एनोमली के वजह से हम तुम्हें हरा पाए। डॉक्टर डूम कहता है कि कुछ भी परमानेंट नहीं होता है डॉक्टर स्ट्रेंज, और ना ही तुम्हारी तहे दिल की इच्छा। तुम्हें सच में लगता है कि तुम इतना बड़ा कांड करोगे एंड किसी को भनक भी नहीं लगेगी? हर चीज की एक कीमत होती है डॉक्टर स्ट्रेंज, एंड तुम्हारा बिल अभी ड्यू है। बस कुछ समय की बात है और उसके बाद तुम उसकी कीमत चुकाओगे। डॉक्टर स्ट्रेंज इसका कोई जवाब नहीं देता और वहां से कोल्ड वॉक के साथ चला जाता है। हम देख पाते हैं कि द स्प्रे पूछता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने ऐसा क्या ब्लंडर किया है मामूली इंसान, जिस पर नाइटमेयर उसको टोकते हुए कहता है कि वो कोई मामूली इंसान नहीं है जिसको डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पर कैद करने के लिए आया है। जिसके बाद हमें डॉक्टर डूम का चेहरा दिखाया जाता है और वो अपनी आंखें बंद करता है, और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यंग टोनी स्टार्क जो कि कुछ नया बना रहा होता है, उस चीज को कंप्लीट करके वो अपने डैड को दिखाता है, बट क्योंकि हॉवर्ड एक दूसरे काम में बिजी रहता है वो उसको नहीं देखता। हालांकि वहां मौजूद ओबेडिया स्टैन यहां पर टोनी को अकंपनी करता है और फिर उसने जो इन्वेंट किया हुआ रहता है उसके लिए उसको अप्रिशिएट करता है, और हम देख पाते हैं कि धीरे धीरे यही सारी हरकतें कैसे टोनी को अपने डैड की वैलिडेशन पाने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ बनाने के लिए मजबूर करता था, बट हॉवर्ड उसे हमेशा रिजेक्ट कर देता था या फिर ध्यान नहीं देता था। हालांकि ओबेडिया स्टैन उसके इन प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्ट लेकर उसके बारे में बात करता था, जिसके वजह से टोनी स्टैन के ज्यादा करीब आ गया था। यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है और वो ये है कि स्टेन टोनी के प्रोजेक्ट्स में इसलिए इतना इंटरेस्ट लेता था ताकि वो इसको मॉडिफाई करके एम को बेच दे, और यहाँ पर एम वाले उसका एडवांस वेपन बना के काफी ज्यादा पैसा छापते, जिसके वजह से एम काफी जल्दी ग्रो हो रहा था। इन सब के वजह से शील की नजर एम पर जाती है और हॉवर्ड और एजेंट कार्टर इन्वेस्टिगेट करते हैं, जहां पर इन लोगों को पता चलता है कि असल में एम जो भी क्रिएट कर रहा है वो टोनी के बनाए गए जो प्रोटोटाइप्स होते थे उनका एडवांस वर्जन है, जो कि स्टेन इनको आकर देता था। इसके बाद हॉवर्ड को अपनी गलती का एहसास होता है कि कैसे उसके नेग्लिजेंस का फायदा उठा के स्टेन ने उसके बेटे को यूटिलाइज किया है, और वो कार्टर के साथ स्टेन को पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन स्टेन को इसके बारे में पता चल जाता है और वो हायर करता है हाइड्रा से विंटर सोल्जर को, जो कि ओवर स्टार्क और एजेंट कार्टर का काम तमाम कर देता है। इसके बाद टोनी को स्टार्क इंडस्ट्रीज का मालिक बनाया जाता है, लेकिन वो ये गद्दी स्टेन को दे देता है क्योंकि उसको लगता है कि स्टेन इसके ज्यादा काबिल है। इसके बाद वो वहां पर क्रिएट करना शुरू करता है, लेकिन जो भी वो चीज क्रिएट करता वो पाता कि एम इससे पहले ही वो चीज बना चुका है या फिर उसका प्रोटोटाइप पेटेंट करवा चुका है, जिसके वजह से टोनी के ऊपर फ्रॉड का इल्जाम लगता
लगता। टोनी इस बात से तंग आकर एक एक्सोसूट बनाने लगता है जो कि आर्मी के सोल्जर्स के लिए सेफ्टी का पूरा ख्याल रखता, लेकिन ये काफी नहीं था क्योंकि जंग जीतना ज्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। इसीलिए उसने आयरन मॉन्गर सूट बनाया जो कि काफी बल्की था, पर उसमें एक ही प्रॉब्लम थी एंड वो थी कि उसको चार्ज करने के लिए पावर सोर्स नहीं था। टोनी अपने घर में मौजूद बड़े से आर्क रिएक्टर से उसको चार्ज तो कर लेता था, बट वो इतना केपेबल नहीं था कि कुछ घंटे भी चल सके। हालांकि टोनी नहीं चाहता था कि एम इसका भी पेटेंट उससे पहले करवा ले, इसीलिए वो उसका पेटेंट करवाने के लिए जाता है, बट रास्ते में ही उसको कोई किडनैप कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो किडनैपर्स होते हैं वो टोनी से कुछ ना कुछ बनवाते हैं एंड ना बनाने पर उसको टॉर्चर करते हैं। मजबूरन टोनी को कोऑपरेट करना पड़ता है, बट वो इन सब काम के बीच में अपने लिए रिपल्सर बना रहा होता है जिनके मदद से वो उड़ सके एंड अपने स्केप प्लान को अंजाम दे पाए। टोनी स्टार्क अपने स्केप प्लान पर काम करना शुरू कर देता है और जो भी उसको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं किडनैपर्स द्वारा, उनसे कुछ न कुछ पार्ट्स चुरा के एक स्टेल्थ टैक बना चुका था जो कि एक इनविजिबल वॉल की तरह उसके रूम में काम करती थी, जो कि किसी भी कैमरा और सेंसर के नजर में नहीं आती थी। वो चुपचाप अपना काम करता रहा और सही समय आने का इंतजार करता रहा, और वो समय आ जाता है और इसके बारे में उसको तब पता चलता है जब एक ब्लास्ट होता है। इसके बाद टोनी अपने स्टेल्थ टेक के मदद से छुप जाता है और चार्ज रिपर्सल्स को भी पहन लेता है, जिसके बाद से जो किडनैपर्स थे वो सबसे पहले तो जहाँ पे ब्लास्ट हुआ उस एरिया को सिक्योर करते हैं और फिर टोनी स्टार को देखने के लिए आते हैं, लेकिन वो उसको नहीं पाते हैं क्योंकि टोनी अपने क्लोकिंग टेक की मदद से उन सब के बीच में ही छुप गया था और बिल्कुल इनविजिबल था। यहाँ पर टोनी स्मोक ग्रेनेड फेंक के सबका ध्यान खींचता है और फिर वहाँ पर काफी सारे गार्ड्स को साइलेंटली न्यूट्रलाइज करके मौका निकाल कर अब रिपल्सर्स की मदद लेकर उड़ के निकल जाता है। वहाँ मौजूद जितने भी गार्ड्स है उसको ट्रेस करने की कोशिश करते हैं, बट यहाँ पर जो टोनी का क्लोकिंग डिवाइस था वो इतना ज्यादा खतरनाक था कि वहाँ मौजूद जितने भी डिवाइस थे उनमें से कोई भी उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था, इसीलिए टोनी वहाँ से सेफली निकल जाता है। लेकिन कुछ समय बाद ही रिपल्सर्स बीप करना शुरू कर देते हैं क्योंकि रिपल्सर्स को चार्ज करने की इनफ पावर नहीं। अगर वो ज्यादा पावर वहाँ पर ड्रॉ करता तो शायद तक उन लोगों को पता चल सकता था, इसीलिए टोनी हमेशा बहुत ही माइन्यूट पावर जोड़ के इसको चार्ज किया था, इसीलिए वो ज्यादा दूर नहीं जा पाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि टोनी को मजबूरन क्रैश लैंडिंग करना पड़ता है और वो क्रैश लैंड करता है लैटवेरिया में, जहां वहां मौजूद जो गार्ड्स होते हैं वो उसको हिरासत में लेके ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं, जहां पर वो बार बार कहता है कि हमें ये जगह खाली करनी होगी क्योंकि यहां अटैक होने वाला है। वो लोग टोनी को बताते हैं कि जब से हमारा सेवियर यहां आया है तब से यहां कोई भी क्राइम नहीं हुआ है, तो तुम चिंता मत करो यहां पर कोई भी अटैक नहीं होने वाला। टोनी देखता है कि यहां हर एक चेक पोस्ट पर उसके द्वारा बनाए गए डिजाइन के रोबोट्स हैं जिस पर हैमर एंड स्टार्क इंडस्ट्रीज का लोगो चिपका हुआ है। उसे समझ नहीं आता कि ये कैसे हो सकता है क्योंकि ये डिजाइन्स उसके पर्सनल सर्वर में थे जिसका एक्सेस सिर्फ स्टेन के पास था। वो रोबोट्स टोनी को स्कैन कर लेते हैं और इसकी खबर स्टेन को भेजने वाले होते हैं, जिसको विक्टर वॉन डूम इंटरसेप्ट करके बदल देता है एंड ये मैसेज फॉरवर्ड करवाता है कि टोनी लैटवेरिया से ईस्ट की ओर जाता दिखा है। इसके बाद विक्टर स्टेन पे नजर रखता है, जहां पर वो देखता है कि स्टेन ने इस मैसेज को एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन को फॉरवर्ड कर दिया है, और फिर यहाँ से विक्टर को अंदाजा लग जाता है कि जो इतने समय से टोनी स्टार गायब था उसको किडनैप करके इन्हीं लोगों ने रखा था, मतलब कि स्टेन ही टोनी के किडनैप के पीछे था। हम देखते हैं कि टोनी को हॉस्पिटल से गायब कर लिया जाता है और इस बार गायब करने वाला और कोई नहीं बल्कि विक्टर रहता है, जो उसको पर्सनली इंटीग्रेट कर रहा होता है, जहां पर विक्टर पूछता है कि तुम्हें कैसे पता था कि यहां हमला होने वाला है। टोनी बताता है कि मुझे काफी समय पहले किडनैप किया गया था और मैं तब से किडनैपर्स के लिए काम कर रहा हूं मजबूरन, और मैंने थ्रस्टर्स, क्लोकिंग डिवाइस एंड कई सारी चीजें बनाए स्मॉल शिप्स के लिए जो कि वेपन के जैसे इस्तेमाल किए जा सकते थे, बट इनमें से मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था एक कॉम्प्लेक्स AI को बनाना जो आने वाले थ्रेट को इंटरसेप्ट करे, क्योंकि ये कई फैक्टर पर निर्भर करता है जिसको मैंने काफी समय तक ट्रेन किया एंड ऑलमोस्ट अचीव कर लिया।
आई न्यू कि ये गलत हाथ में गया तो बहुत बुरा होगा, इसीलिए उसमें मैंने ये प्रोग्रामिंग डाली कि जब ये ऑनलाइन आएगी और थ्रेट असेसमेंट कर रही होगी तभी ये मुझे इन्फॉर्म कर देगी, क्योंकि अगर ये एक बार ऑनलाइन आके अपने काम में लग गई तो इसको रोकना नामुमकिन था। और जब ये सारे थ्रेट असेसमेंट कर लेगी तो मैं जहां पर किडनैप्ड हूं वहां से जो नियरेस्ट थ्रेट होगा मुझे वहां तक ऑटो पायलट कर दिया जाएगा मेरे स्टेल्थ सूट और इन रिपल्सर्स से। और वही हुआ एंड इसीलिए मैं यहां पे क्रैश लैंड किया। विक्टर पूछता है कि अगर तुम वहां से बचकर निकल सकते थे तो पहले क्यों नहीं निकले, जिस पर टोनी बताता है कि अगर मैं पहले निकलता तो मेरे पकड़े जाने के चांसेस ज्यादा थे क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मेरा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, लेकिन अब जब मुझे पता है कि वो एआई यहां टारगेट करने वाली है तो मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त हुए जो मेरी मदद करेगा हमारे कॉमन दुश्मन को रोकने के लिए। जिस पर विक्टर कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारा दुश्मन का दुश्मन इतना कमजोर होगा कि उसे तुम्हारे जैसे वीकलिंग की जरूरत होगी, जिसके रेस्पॉन्स में टोनी कहता है कि हमारे दुश्मन के पास जो है उसको मैंने बनाया है सो मुझे उसकी कमजोरियां मालूम है। विक्टर बताता है कि लैटवेरिया सेफ है क्योंकि इसके अराउंड एक फोर्स फील्ड है जिसके वजह से कोई भी डिस्टेंट अटैक इसके ऊपर काम नहीं करेगा। पर इससे पहले विक्टर अपनी बात को पूरी कर पाता टोनी कहता है हाई इंटेंसिटी फोकस्ड बीम्स भी नहीं। इस पर विक्टर कहता है कि मैंने टोनी को अच्छे से स्टडी किया हुआ है, उसमें हाई इंटेंसिटी फोर्स्ड बीम जैसा कुछ भी नहीं है। टोनी शॉक होकर कहता है कि तुमने मुझे कब स्टडी किया, जिसके रेस्पॉन्स पर विक्टर बताता है कि मैं उस एआई की बात कर रहा हूं जिसको तुमने बनाया है, जिसको तुम्हारे दुश्मनों ने टोनी एआई नाम दिया है, जिसका फुल फॉर्म है टैक्टिकल ऑपरेशंस एंड नेटवर्क योंडर, जो कि हेवी कैरियर में लोडेड है जिसको बाहरी दुनिया के लिए तो शील्ड रन करता है बट एक्चुअली में उसको चलाने वाला हाइड्रा है एंड मोस्टली बुरे लोग उसी से जुड़े हुए हैं। टोनी कहता है कि देखो हम जितना समय यहाँ बात करने में लगाएंगे उतना ही कम समय होगा हमारे पास उस एआई को रोकने के लिए, जिसके बाद हम देखते हैं कि विक्टर वहां से जाने लगता है और कहता है कि उसको मैं अकेले ही रोक सकता हूं। और फिर हम देख पाते हैं कि विक्टर उस रूम से बाहर जाते ही सबसे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज को समन करता है एंड कहता है कि हमें प्रोजेक्ट इनसाइड को रोकना होगा क्योंकि वो टोनी एआई और कुछ एडवांस्ड वेपन्स की वजह से काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि फिर से वही रट चालू मत करना विक्टर कि अगर हमारे पास पावर है दुनिया को बचाने की तो हम उसको क्यों नहीं बचा रहे हैं? मैंने पहले भी तुम्हें बताया है एंड अभी भी बता रहा हूं कि हम फ्लो ऑफ टाइम के साथ छेड़खानी नहीं करते हैं। तुम्हारे लिए जीवन कुछ सालों का होगा या फिर कुछ सदियों का होगा बट मेरे लिए ये ब्रह्मांड के पहले कण से लेके आखिरी कण तक का है और मैं तब तक जिंदा रहूंगा एंड क्योंकि मुझे बैलेंस बनाए रखना है इसीलिए मैं हर एक चीज हिसाब से करता हूँ। मैंने वचन दिया था कि मैं लैटवेरिया को सेफ रखूंगा और मैं उसको रख रहा हूँ। तुम्हारे टेक्नोलॉजिकल शील्ड को भेदना आसान नहीं है और ना ही मैं इस पे शक कर रहा हूँ बट मैं इसके ऊपर एक मैजिकल शील्ड भी लगवा दे रहा हूँ जिसके वजह से लैटवेरिया और भी ज्यादा सेफ हो जाएगा एंड अगर इजाजत हो तो अब मैं यहां से चलता हूं क्योंकि मुझे और भी जरूरी काम है। विक्टर कुछ नहीं कहता और गहरी सोच में चला जाता है कि तभी उसको एक ब्लास्ट साउंड सुनाई देता है और वो तुरंत अपने कैसल के बाहर जाता है जहां पर देखता है कि हर कुछ सेकंड में कहीं ना कहीं ब्लास्ट हो रहा है। वो पैटर्न को नोटिस करके अगले ब्लास्ट के बारे में आइडिया लगाकर वहां पहुंच तो जाता है लेकिन उस ब्लास्ट को होने से रोक नहीं पाता है। विक्टर वहां पे हुए ब्लास्ट को स्कैन करता है तो उसे पता चलता है कि जो रोबोट्स यहाँ पर गार्ड करने के लिए थे वही फट रहे हैं। वहां मौजूद रोबोट्स को स्कैन करने की कोशिश करता है बट हर ब्लास्ट के साथ लोगों की चीखें ज्यादा होती जा रही थी जो कि विक्टर को अंदर से हिला रही थी क्योंकि विक्टर ने ये वचन दिया था कि वो यहाँ के लोगों को सेफ रखेगा। वो सीधे उड़कर टोनी के पास जाता है उन डिस्ट्रॉयड रोबोट्स के पार्ट्स को लेकर क्योंकि इसकी प्रोग्रामिंग स्टार्क इंडस्ट्रीज ने किया था। विक्टर बोलता है कि तुमने स्टार्क इंडस्ट्रीज में काम किया था एंड ये वहीं पर बने हुए हैं तो अगर तुमने इसको अभी ठीक नहीं किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिस पर टोनी कहता है कि इनका बेस मॉडल मैंने बनाया था लेकिन बाकी अपग्रेडेशन हैमर इंडस्ट्रीज ने किया था और इसके बारे में तो मुझे पता भी नहीं लेकिन मैं इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर सकता हूँ। विक्टर कहता है कि मुझे सिर्फ इतना बताओ कि इन रोबोट्स के वजह से जो ब्लास्ट हो रहे हैं तुम उनको रोक सकते हो या नहीं। जिस पर टोनी तुरंत उस रोबोट के मेन फ्रेम से कनेक्ट करके उसके प्रोग्रामिंग को देखता है एंड पाता है कि इसको ओवरराइड कर लिया गया है टोनी एआई द्वारा
क्योंकि प्रोजेक्ट इनसाइट में एक भी ऐसा वेपन नहीं है जो विक्टर को मार सके। इसीलिए टोनी एआई ने उन रोबोट्स को कंट्रोल करना शुरू कर लिया है और ब्लास्ट के लिए सीक्वेंस में डाल दिया है जिसको रोका नहीं जा सकता। टोनी आगे बताता है, ये अटैक 3 लेवल में होंगे। पहले तुम्हारा ध्यान खींचने के लिए छोटे मोटे ब्लास्ट होंगे एंड जब तुम उनके फील्ड में चले जाओगे तो ब्लास्ट की इंटेंसिटी बढ़ा दी जाएगी, जिसके बाद थर्ड फेज शुरू होगा जिसमें पूरा लैटवेरिया खत्म हो जाएगा। विक्टर ये सुनते ही काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो काफी सारे पोर्टल्स खोल देता है जिसमें से रोबोट्स को गायब करके वो कहीं दूर फेंकने वाला था, लेकिन तभी वो पाता है कि रोबोट सिविलियंस को पकड़ लिए हैं, जिसके वजह से विक्टर मजबूर हो जाता है और अपने पोर्टल्स को बंद कर देता है कि तभी टोनी कहता है कि काम हो गया। विक्टर उसकी ओर देखता है एंड पूछता है कि क्या क्या तुमने, जिस पर वो बताता है कि मैंने बस ये ऐड कर दिया कि ये रोबोट तब सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो सकते हैं जब इसके आजू बाजू कोई भी लिविंग बीइंग ना हो सिवाय विक्टर, एंड क्योंकि विक्टर ही प्राइम टारगेट था इसीलिए ये प्लान वर्क कर गया। मैं ब्लास्ट को तो नहीं रोक सकता था बट उसको डिले एंड सेफ जगह में करवा सकता था जिसके वजह से किसी को भी चोट ना लगे। हम देख पाते हैं कि सारे रोबोट्स उड़ के इस फोर्स फील्ड के टॉप मोस्ट वाले जगह पे पहुंच जाते हैं और वहां पर ब्लास्ट हो जाते हैं। टोनी एंड विक्टर उस ओर देखते हैं एंड तभी उन्हें वहां पर एक पैटर्न दिखता है और वो पैटर्न ये रहता है कि उन रोबोट्स के साथ में फटने की वजह से एक चेन रिएक्शन शुरू होता है जिसके वजह से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है जिसके वजह से फोर्स फील्ड थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। एंटोनी एआई जो कि स्पेस में था वो एक बीम शूट करता है जो कि टोनी इंटरसेप्ट कर लेता है एंड इससे पहले वो बीम विक्टर को लगता टोनी जंप लगा के विक्टर के सामने आ जाता है। टोनी एआई एक स्कैन करता है जिससे वो ये पाता है कि वहां एक जन ऑलमोस्ट मरने वाला है और दूसरा बचता है, लेकिन इससे पहले वो इस चीज को कंफर्म कर पाता कि विक्टर मरा या नहीं, लैटवेरिया के ऊपर जो फोर्स फील्ड था वो फिर से स्ट्रॉन्ग हो जाता है जिस वजह से टोनी एआई उस इंफॉर्मेशन को कंफर्म नहीं कर पाता है। टोनी की आंखों के सामने उसकी लाइफ फ्लैश होती है जहां पर उसे याद आता है कि कैसे उसके जीनियस होने की वजह से लोग उसके साथ भेदभाव करते थे, किसी ने भी उसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया और जिसने ट्रीट किया वो था स्टीन, जो कि अब उसे पता चलता है कि एक बहुत ही बड़ा फ्रॉड था जो कि सिर्फ उसका फायदा उठा रहा था। एट लास्ट वो सोच रहा होता है कि काश वो पेपर पॉट्स को प्रपोज कर दिया होता, कि तभी टोनी को एक जोर सा झटका महसूस होता है एंड वो पाता है कि वो जिंदा है। अब उसे ये बात समझ में नहीं आ रही होती है कि ये कैसे हुआ और वो विक्टर से पूछता है कि तुमने क्या किया, जिसके रेस्पॉन्स में विक्टर कहता है कि हिसाब बराबर कर रहा था क्योंकि विक्टर किसी का उधार नहीं रखता। टोनी कहता है कि मुझे तो लगा था कि मैं आज गया, जिस पर विक्टर कहता है कि तुम ऑलमोस्ट मर चुके थे पर मैंने तुम्हारे मरने से पहले कुछ फॉरबिडन स्पेल्स को परफॉर्म किया और एक प्रीमोडियल बीइंग के साथ डील किया जिसके वजह से तुम जिंदा हो। टोनी शॉक में था एंड ये सब प्रोसेस कर ही रहा था कि तभी विक्टर एक पोर्टल बनाता है डायरेक्ट उस मेन फ्रेम पर जिसमें टोनी एआई अपलोडेड था एंड टोनी को कहता है कि इसको बंद करो एंड जड़ से खत्म कर दो ताकि आज कोई भी बेगुनाह ना मारा जाए। टोनी ऐसा ही करता है और टोनी एआई को प्रोजेक्ट इनसाइट से खत्म कर देता है। विक्टर फिर टोनी को रेस्ट करने के लिए लैटवेरिया भेज देता है। इसके बाद वो शील्ड और हाइड्रा की जो कॉन्स्पिरेसी और प्रूफ्स होते हैं वो ब्लैक विडो को दे देता है और ब्लैक विडो जाके दुनिया के सामने शील्ड और हाइड्रा की सच्चाई रख देती है। एंड क्रेडिट में हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां हम डेडपूल एंड थॉर को रिलैक्स करते हुए देखते हैं डॉक्टर डूम के खिलाफ लड़ने के बाद, जहां उनके सामने जख्मी हरक्यूलस लैंड करता है एंड बोलता है कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, जिस पर थॉर कहता है कि जब हमें जरूरत थी तब तो तुम नहीं आए अर्थ में डूम से लड़ने के लिए, जिस पर हरक्यूलस कहता है कि ओमनीपोटेंस सिटी पे हमला हुआ था जिसके बाद काफी सारे गॉड्स मारे गए और फिर ज्यूस और जो मेजर गॉड्स हैं वो लड़ रहे हैं, वहीं बाकी गॉड्स मेरे जैसे मदद मांगने के लिए इधर से उधर जा रहे हैं। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज वहां आता है एंड कहता है कि थॉर तुम्हें वहां जाना चाहिए एंड साथ में डेडपूल को भी ले जाओ क्योंकि बाकी हीरोज अभी जख्मी हैं जो मदद से ज्यादा लायबिलिटी के जैसा होंगे, जिनको मैं मैजिक से हील करवा कर थोड़ी देर में आता हूँ। इतना सुनते ही थॉर बायफ्रॉस्ट होलकर अपने साथ डेडपूल को ले जाता है, जिसके तुरंत बाद डॉक्टर स्ट्रेंज मन में मुस्काते हुए कहता है कि चलो ये एनोमोली यानी कि डेडपूल भी ठिकाने लग गया। डॉक्टर स्ट्रेंज इसके बाद हरक्यूलस के घाव ठीक करने लगता है एंड पूछता है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो गॉड्स पर हमला करे वो भी उनके ही घर में आकर, जिसके रिस्पॉन्स में हरक्यूलस कहता है कि वही जिसका नाम नहीं ले सकते। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि ये
ये नामुमकिन है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। आई नो वीडियो लाने में लेट हुई है, जिसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, एंड मैं आगे की वीडियोस टाइम पे लाने की कोशिश करूंगा। एंड जो लोग नए हैं एंड इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि ये मेरे व्हाट इफ सीरीज का पार्ट है, जिसका ये सेकंड पार्ट है, जिसमें मैंने डॉक्टर डूम के उस ओरिजिन की बात की है जहां पे टोनी स्टार्क डॉक्टर डूम बनता है। एंड हम लोगों ने इसका जो पहला पार्ट था उसमें ये दिखाया था कि जब टोनी स्टार्क डॉक्टर डूम बनता है तो वो कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है, जिसका लिंक आपको आई बटन में भी शो हो रहा होगा, प्लस डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंड मैं कोशिश करूंगा कि अगली पार्ट जल्द से जल्द ला सकूं। तब तक आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप किसके ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं, ताकि हम उसके ऊपर विचार करके उसके ऊपर लाने का प्लान कर सके नेक्स्ट। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड ना लगा हो तो दोबारा देख लें, क्या पता अच्छा लग जाए। एंड अगर आप ऐसे वीडियोस मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही मजे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।